इस वीडियो में हम लोग एग्जाम्पल नंबर 2.6 को समझेंगे। पिछली वीडियो में हमने 2.5 एग्जाम्पल को समझ लिया था। देखिए, मैं इसको पहले पढ़ रहा हूँ। किसी ताप पर शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब 0.850 बार है। बार जो होता है प्रेशर का मात्रक होता है। 0.5 ग्राम अवाष्पशील विद्युत अनपघट्य ठोस को 39 ग्राम बेंजीन बेंजीन का मोलर द्रव्यमान दिया गया 78 78 ग्राम प्रति मोल। इसे याद रखना है, जब भी बेंजीन आएगा तो उसका मोलर द्रव्यमान 78 रख देना। में घोला गया है प्राप्त विलयन का वाष्प दाब 0.845 बार है। ठोस का मोलर द्रव्यमान क्या है? तो शुद्ध विलायक का जो विलायक है वो बेंजीन है, उसका वाष्प दाब दिया है 0.85 बार। जब इसको विलयन बना लिया गया है तो विलयन का जो वाष्प दाब है, जिसको हम लोग कैलकुलेशन में पीएस लिखे थे, चलिए अब हम मैं इसको समझा रहा हूँ। क्वेश्चन को देखिए, मैंने यहाँ पर हल किया है। शुद्ध विलायक का वाष्प दाब होता है पी नॉट 0.85 बार है। इसमें घोला गया है 0.5 ग्राम अवाष्पशील विलेय घोला गया है, अनपघट्य है, यानी ये विलेय का द्रव्यमान है 0.5 ग्राम। बेंजीन कितनी है? 39 ग्राम, तो विलायक है। यहाँ पर बेंजीन किस रूप में है? विलायक के रूप में। बेंजीन का मोलर द्रव्यमान 78 दिया गया है, तो बेंजीन का मोलर द्रव्यमान क्या होता है? कैपिटल एम लिखा जाता है विलायक का मोलर द्रव्यमान। पीएस जो है वह विलयन का वाष्प दाब है, वह है 0.845 बार। हमें निकालना है विलायक का मोलर द्रव्यमान। तो वाष्प दाब के अपेक्षित अवमन के फार्मूले में इसका मैंने डेरिवेशन किया था और मैंने आप लोगों को समझाया भी था, इस पर एक एग्जांपल भी करा था जो 2014 के बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है, वहाँ आप देखिएगा। इसी फार्मूले पर ये क्वेश्चन है। तो देखिए, पी जीरो क्या है? शुद्ध विलायक का है, तो इसका मान मैंने रख दिया है। पी एस ये जो है विलयन का है, इसको रख दिया हूँ बटे पी जीरो, यहाँ मर मान रखा हूँ। स्मॉल डब्लू जो होता है वो विलायक का द्रव्यमान होता है, सॉरी विलेय का द्रव्यमान होता है। इसके बाद कैपिटल यम जो है वो विलायक का अणु भार होता है। स्मॉल डब्ल्यूएम जो होता है वो विलेय का मोलर द्रव्यमान होता है। कैपिटल डब्ल्यू जो होता है वो विलेय का द्रव्यमान ग्राम में होता है। तो सारे मान मैंने रख दिया है, इधर घटा लिया हूँ, इधर भी देखिए घटाने पर 0.005 आएगा, नीचे को उतारेगा 0.85। अब इसमें मैंने क्या किया, ऊपर 1000 से गुणा किया, ताकि दशमलव के बाद देखिए 1, 2, 3 अंक है ना, 1000 से गुणा किया ऊपर नीचे, इसको 39 × 78 दो बार कटेगा, 0.5 × 2 एक हो जाएगा 1/m। तो ऊपर दशमलव उस पर 1000 से गुणा करने पर 5 हो जाएगा, नीचे 850 हो जाएगा, तो ये सब काटेंगे तो 170 हो जाएगा। तो 1/170 बराबर 1/m, त्रियक गुणा करेंगे तो हमारा यम बराबर आ जाएगा 170 ग्राम प्रति मोल। ये शायद आपको समझ में आ गया होगा, तो इसे आप कर लीजिएगा। चलिए, तो अगला एग्जांपल हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। अगला देखिए, एक सॉसपैन में ग्लूकोज, ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6, इसका मोलर द्रव्यमान 180 होता है, इसे आप निकाल लीजिएगा। को 1 किलोग्राम जल में घोला गया है, 1.013 बार दाब पर यह जल किस ताप पर उबलेगा? हमें क्या निकालना है? विलयन का क्वथनांक निकालना। जल के लिए केबी का मान 0.52
केल्विन किलोग्राम प्रति मोल। तो देखिए किताब में भी इसको हल किया गया है, मैंने इसको अपने हिसाब से हल किया है, तो उसका भी तरीका आप समझ लीजिए। पहले हम लोग लिखेंगे हल, फिर लिखेंगे दिया। इसमें जो विलेय है वो ग्लूकोज है, उसका द्रव्यमान दिया 18 ग्राम। विलायक जल है वह 1 किलोग्राम दिया है। केबी का मान जल के लिए 0.52 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल दिया। विलयन का क्वथनांक निकालना, तो विलयन की मोललता, विलेय की मात्रा ग्राम में, विलेय का मोल द्रव्यमान बटे विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम। तो अगर हमें पहले इसकी हम क्या निकालेंगे, मोललता। मोललता का फार्मूला होता है विलेय की मात्रा ग्राम में। विलेय क्या है, ग्लूकोज है 18 ग्राम, उसका मोल द्रव्यमान 180 और विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम है। तो 1 किलोग्राम दिया गुणे 1, तो 1/10 का मतलब 0.1। ये विलयन क्या हो गई, मोललता हो गई। इस्तेमाल यहाँ इसके बाद हम लोग जानते हैं कि क्वथनांक में जो उन्नयन होता है डेल्टा टी बी बराबर होता है KB × M। तो KB का मान कितना दिया गया, 0.52 और M 0.1, तो ये हो जाएगा 0.052 केल्विन। मतलब क्वथनांक कितना बढ़ गया, तो जल का क्वथनांक क्या होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। 100 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन बदलेंगे क्या करेंगे, 100 + 273.15। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि आप लोग कहते हैं डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलने के लिए 273 जोड़ा जाता है, लेकिन एग्जैक्टली क्या है कि 273.15 जोड़ा जाता है। कितना जोड़ा जाता है, 15। तो 100 में अगर हम 273.15 जोड़ेंगे तो जल का जो क्वथनांक आएगा वो कितना आएगा, 273 जोड़ने पर 100 में आ जाएगा 373.15 आ जाएगा। ये क्या है, शुद्ध जल का क्वथनांक, और ये उसके क्वथनांक में हुई वृद्धि है। तो जब जोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, विलयन का क्वथनांक। यानी विलयन का क्वथनांक बराबर क्या होगा, विलायक का क्वथनांक धन क्वथनांक में हुआ उन्नयन। अगर हम विलायक के क्वथनांक में हुआ उन्नयन जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, विलयन का क्वथनांक मिलेगा। तो ये हो जाएगा 373.202 केल्विन। तो एग्जांपल 2.7 भी आपको समझ में आ गया होगा। अब 2.8 देखिए, बेंजीन का क्वथनांक 353.25 केल्विन, 1.8 ग्राम अवाष्पशील विलेय को 90 ग्राम बेंजीन में घोलने पर विलयन का क्वथनांक बढ़कर 354.1 केल्विन हो जाता है। विलेय के मोलर द्रव्यमान की गणना कीजिए। बेंजीन के लिए केबी का मान 2.53 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल। अब देखिए इसको हमने कैसे हल किया है, इसको ध्यान दीजिएगा। ये आठवां था, तो पहले आप लिखेंगे हल। डेल्टा टी बी दिया है के बाद लिखेंगे डेल्टा टी बी। डेल्टा टी बी माने क्वथनांक में हुई वृद्धि। तो पहले देखिए जो क्वथनांक, अगर आप क्वेश्चन को पढ़ लें फिर से किताब से, तो क्वथनांक पहले बेंजीन का दिया है 353.23 केल्विन, और जब उसमें 1.8 ग्राम अवाष्पशील पदार्थ को घोला जाता है तो उसका क्वथनांक 354.11 हो जाता है। तो वृद्धि कितनी हुई, पहले इतना था अब इतना हो गया। तो हम क्या करेंगे, 354.11 में से 353.23 को क्या करेंगे, घटाएंगे, तो हमें क्या मिलेगा, डेल्टा टी बी मिल जाएगा। बेंजीन के लिए हमें केबी का मान दिया 2.53 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल। विलेय का द्रव्यमान 8 ग्राम दिया है, विलायक का द्रव्यमान जो बेंजीन है 90 ग्राम दिया है, हमें क्या निकला, विलेय का मोल द्रव्यमान यानी स्मॉल एम निकाला। इस फार्मूले को आपने पढ़ा ही होगा, डेल्टा टी बी बराबर 1000 KB स्मॉल W / स्मॉल M कैपिटल W।
तो यहाँ हमने घटा के तो डेल्टा टी बी निकाल लिया 0.88, 1000 के बी का मान 2.53, स्मॉल डब्लू विले का द्रव्यमान 1.8 ग्राम, स्मॉल एम विले का मोलर द्रव्यमान ये अज्ञात करना, कैपिटल डब्लू विलाय का द्रव्यमान, इसको गुणा करेंगे तो आ जाएगा 4554। और ये स्मॉल एम यहाँ आएगा, ये 0.88 नीचे जाएगा, तो हल करने पर आ जाएगा 57.5 ग्राम प्रति मोल ये आ जाएगा उसका मोलर द्रव्यमान। इसको आप हल कर लीजिए। अब नौवा एग्जाम्पल देखिए आप लोग। 45 ग्राम एथिलीन ग्लाइकॉल को 600 ग्राम जल में मिलाया गया है। विलयन के हिमांक का अवनमन और हिमांक की गणना कीजिए। तो पहले हमें निकालना हिमांक में हुआ अवनमन, तो इसको देखिए कैसे हल करेंगे। पहले हल लिखना, उसके बाद लिखना दिया है। तो इसमें देखिए 45 ग्राम एथिलीन ग्लाइकॉल है, तो ये हमारा है विलेय, इसे घोला गया 600 ग्राम बेंजीन में, सॉरी 600 ग्राम जल में, तो जल हमारा क्या है विलायक। एथिलीन ग्लाइकॉल जिसकी मात्रा कम है वो विलेय है, जिसकी मात्रा अधिक है वो विलायक है। एक चीज में दी नहीं गई है, इसे आपको याद रखना पड़ेगा, जल के लिए केएफ का मान होता है 1.86 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल होता है। एथिलीन ग्लाइकॉल का फार्मूला देखिए ये बुक में दिया गया है C2H6O2, तो इसका मोलर द्रव्यमान निकालिएगा 2×12 × 6×1 × 2×16 और ये आ जाएगा 62। तो किताब में निकाला भी गया है, निकाल लीजिएगा 62 आएगा। तो इसका यह मोलर द्रव्यमान है 62 ग्राम प्रति मोल। इसके बाद ये फार्मूला डेल्टा टीएफ बराबर 1000 केएफ स्मॉल डब्लू बटे स्मॉल एम कैपिटल डब्लू, इसको डेरिवेशन मैंने समझाया है, इस पर क्वेश्चन भी कराए गए। तो अब आप सबका मान रखेंगे 1000 केएफ का मान 1.86, स्मॉल डब्लू 45, स्मॉल एम 62, कैपिटल डब्लू 600, तो ये 2 जीरो कट जाएगा। तो डेल्टा टीएफ हल करने पर आएगा 2.25। तो टीएफ क्या है, हिमांक में अवनमन है, यानी हिमांक में कमी है। तो शुद्ध जल का हिमांक क्या होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब 273.15 केल्विन, इतना होता है हिमांक। अब उसमें कमी आई है, कमी का मतलब उसमें क्या करना है, माइनस करना है। तो जितनी कमी आई है उतना क्या करेंगे, माइनस करेंगे, यानी 273.15 माइनस 2.25, तो घटाने पर आ जाएगा 270.5 केल्विन। तो इस तरीके से हम लोगों ने निकाल लिया है विलयन का हिमांक।